यो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी को। तो स्वागत करते हैं GTA 5 की एक न्यू सीरीज़ में। दरअसल गाइस, मैं यहाँ पर GTA 5 का एपिसोड लाने वाला हूँ। ये जो मैं GTA 5 खेल रहा हूँ गाइस, ये मेरा लैपटॉप है। मॉडल की अगर मैं बात करूँ, ये है गाइस मेरा लेनोवो G5070। गूगल में सर्च कर लेना। यहाँ पर रैम साइज़ यहाँ 4 GB है, AMD का लगा हुआ है और i3 है, बहुत काफ़ी ज़्यादा पुराना है। लेकिन यहाँ मैं जो अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो अगर आप रिकॉर्ड वगैरह नहीं खेल करते हो, नॉर्मल खेलते हो स्टोरी मोड वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है। ओके, मेरा बैटरी वगैरह थोड़ा सा इशू है और इतना वैसे भी बहुत ज़्यादा दिन हो गया भाई ये लैपटॉप को निकाले हुए। तो यहाँ गैस मैं 100 GB का GTA 5 डाउनलोड कर लिया हूँ। मेरे फ़ोन मतलब सॉरी लैपटॉप पर कोई SSD वगैरह नहीं है। ओके, मैं पहले से बता दूं, मैं हार्ड डिस्क पर खेल रहा हूं। जैसे गेम स्टार्ट होता है, कुछ करेक्टर हमें यहां पर दिखाए जाते हैं, जो कि हमें इन फ्यूचर इन्हें चूज करना होगा। ये मल्टीपल करेक्टर हैं, जो कि हर किसी का एक अलग अलग मिशन होता है। हम गैस ऐसे ही एक एक करते हुए गैस यहाँ पर इस मिशन को जो है वो कम्प्लीट करेंगे। अभी हमें जो 3 करेक्टर खेलने हैं अभी शुरुआत में, ये है गैस हम लोगों का माइकल। ओके, फिलहाल हमें सबसे पहले माइकल का कुछ मिशंस कंप्लीट करने होंगे। साथ ही साथ हमारे फ्रैंकलिन भैया जो हैं वो भी आने वाले हैं, और एक और तीसरा करेक्टर है जो टॉप 3 में आता है, वो है फिलिप्स नाम का। अभी गैस हम लोग जैसे गेम स्टार्ट होता है, एक बैंक के अंदर हैं, मुझे लगता है कुछ तो है पैसे का खजाना। यहाँ हम लोग अपने गन ताने हुए हैं। ओके, ये माइकल है। M, get these assholes in the closet. ठीक है, यहाँ सबको बंदी बनाकर देख लो फाई साहब कैसे अंदर की ओर ले जा रहा है सबको। हमें गैज यहाँ पर बेसिक सबसे पहला जो मिशन है वो गैज यहाँ पर बम फोड़ना होता है। ओके, तो जैसे जैसे यहाँ पर आता है वैसे वैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अभी गैज यहाँ पर देख लो सब, ये जितने सारे भी हम लोग यहाँ पर बंदे हैं उन्हें फ़िलहाल मारना नहीं है। ओके, अगर आप उन्हें मारते हो तो मिशन गैज फेल्ड हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक डेटोनेट जो है वो रखा हुआ है। हम गैज क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर कॉल करेंगे ना, ये इतने सारे यहाँ पर पैसे हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड बॉटम पर गैस आपको मैप भी देखने को मिलेंगे, तो आप गैस यहाँ पर मैप ज़रूर देख लेना। नए नए होंगे तो गैस भाई मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत लगा नया में। तो जैसे कि मैं बोला यहाँ पर मल्टी करेक्टर है, तो आप गैस यहाँ पर करेक्टर को स्विच कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, जैसे ये बंदा को पकड़ लिया है, करेक्टर स्विच करूँगा और इसे गैस हेडशॉट मारना पड़ेगा। ओ भाई सब क्या ही खतरनाक है, और GTA 5 है तो गैस हर एक चीज़ 18+ होने वाला है। सो प्लीज़ गैस थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ईयरफोन वगैरह ज़रूर लगा देना। तो यहाँ गैस मुझे जल्दी से सामने जाना होगा, हमें गेट फोड़ने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो जल्दी से हम लोग वैसे ही करते हैं। यहाँ ध्यान रहे गैस, मैप पर आपको नज़र डालना होगा। अब गैस पुलिस यहाँ पर जस्ट आगे से आ रही होगी। अब क्या करना है ना गैस, यहाँ पर जैसे ही हम लोग दरवाज़ा खोलेंगे तो पुलिस आ जाएगा। अब गैस जैसे राइट क्लिक से स्कोपिंग कर सकते हो, ये आयरन साइट है, ऐसे ही आपको मारना होगा। और लेफ्ट से गैस आप फायर कर सकते हो। तो मैं जल्दी से भाई साहब ऐसे छुप छुप के करना होगा। अगर आप यहाँ पर मर जाते हो, आपका भी एक लिमिट हेल्थ है, अगर आप मर जाते हो तो क्या होगा कि यही दरवाज़ा फिर से खुलेगा और फिर से आपको मारना पड़ेगा भाई।
तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी गैस इनको मारता हूँ। यहाँ मैं अपना एम वगैरह की बात करूँ ना गाइस, तो यहाँ मुझे एम करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। दरअसल मैं जैसे कि आपको बोला नॉर्मल माउस है तो थोड़ा सा सेंसिटिविटी वगैरह उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है। ओ भाई, एक और गाड़ी आ चुकी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पर इसे मैं ना इस बार आके मारता हूँ। ओ भाई साहब, गैस मिशन फेल्ड हो गया, मैं मर गया गलती से। ओके फिर से मुझे करना होगा, तो मैं जल्दी से फटाक से ना उतना तक पहुँचाते हुए स्कीव कर देता हूँ। ओके तो ये देख लो गैस, यहाँ पर हम लोगों ने मार दिया अगेन। ओके इसके बाद एक और गाड़ी आती है, एक और गाड़ी आने के बाद यहाँ सिर्फ दो बंदे थे। मैप पर रेड रेड साइन आता है तो आराम से आप पहचान सकते हो, और इसके बाद मुझे यहाँ पर ड्राइव करना होगा। Put that bitch's face against the glass. You see that? Yeah, you're a real stout. Fuck, how'd that happen? Go, 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 go! Fuck. ओ भाई, हम लोगों का जो ड्राइवर था वो मर गया है भाई साहब। ओके अब मुझे चलाना होगा, मुझे चलाना है यहाँ गैस। हमें बोला जा रहा है कि सामने कोई तो चौपर वगैरह है, वहाँ हमें जाना होगा। और नीचे गैस मैप में आपको सारे सर्कल वगैरह दिख रहे होंगे, मतलब किधर जाना है। जैसे मैं यहाँ पर राइट मुड़ा, Come our way! Be cool! They ain't made this car yet! Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it! Shit, shit, shit! Oh, oh, oh! Bhai, train se takkar ho gaya. You guys alright? Fuck! Come on! Ditch the car, alright? We can go this way to the chopper! No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan. Come on. Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. Ah! The fucking bed! Someone must have fucking talked! All right, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Fuck! Ah! I'm hit! Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out! Go! No! What
I'm standing here! Finish me! ओके, एक लड़की साथ से लड़की कुछ तो मिली है। इसे पकड़ लेते हैं भाई, बचना है तो इसको पकड़। भाई भाई भाई, लिटरली ये लड़की हमें बचा दी भाई साहब ने, तो इस लड़की को हम लोग मार सकते थे। Not always a good citizen. Okay, तो यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है। But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael. ये रहा हम लोगों का हीरो, ये है माइकल भैया। Not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. और ये देख लो गाइस, अब हम लोगों का गेम स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से मैं इसे सेव करता हूँ, नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ एक न्यू लोकेशन दिखाया गया है, पता नहीं ये भाई साहब किन से बात कर रहे हैं, बट ये अपने बेटे के बारे में काफी ज्यादा बुराई कर रहे हैं। सुन लो गाइस, भाई Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. ओके, मुझे लगता है ये थेरेपी था, सेशन था शायद से, ये बंदा यहाँ से निकल रहा है। ओके, हाँ जी, अब थोड़ा सा इंट्रो यहाँ पर चलेगा। ये बंदा एक बेंच पर बैठ गया। Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. ये रहे गाइस, नीचे पीछे गाइस फ्रैंकलिन देख लो, अभी जस्ट गुजरे, अभी इनका दोस्त नहीं बना है, ठीक है? Actually, yeah. ये इनसे पूछ रहा है भाई किसी का घर, right? पहले तो नहीं बताता है, फिर दोबारा बता देता है। Good luck now, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner?
Or better yet, do some skywriting and reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin out right here. Your boy Simeon wasn't bullshitting. Man, get your ass in here. Man, bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Shit, come on. Damn, this nigga must got the baby dead. Yeah. And all this shit paid for with bad credit. अब गाइस हम लोगों का पहला चोरी करने वाले हैं. अब मैं करेक्टर खेल रहा हूँ गाइस फ्रैंकलिन का. ठीक है, ऑटोमेटिक स्विच हो चुका है. ये फ्रैंकलिन है, देख लो. अब यहाँ पर कौन सा गाड़ी लूँ गाइस बताओ, रेड या वाइट? तेरा भाई रेड चलाएगा आज. Damn, this motherfucker got robo roof and everything, nigga. He should have paid the nizzo. Man, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, Law. ओ भाई, छोड़ के भाग गया बंदा. गाइस यहाँ पर जैसे नॉर्मल हम लोग गाड़ी चलाते हैं WASD, वैसे ही आप चला सकते हैं. अगर आप होल्ड बटन प्रेस करते हो, मतलब होल्ड की, तो आपका स्लो मोशन में गाड़ी चलने वाला है. भाई सामने जो भी आ रहा है सबको ठोंकते हुए मैं पार हो रहा हूँ. ये जो दोस्त है ना, ये मुझे एक लोकेशन पर ले रहा है. JB's tow truck, it ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. Up here, through the studio. Let's show these movie people how we do. Some time over nickels and dimes? I stick to repos, dawg. It's official. Epsilonism is on another historic Hollywood movie studio. The ball sack and wild swings again. Right, homie. Okay. Left here. We going through the parking lot. Yeah, whatever you say. Come on, Frank. Whatever, homie. 11% stake in Meriwether. Percival, meanwhile, was happy after defeating a government plan to outlaw the expansion of Meriwether's domestic operations. Expect more privatization.
advised high security firms to begin domestic operations as the war on terror. The recent fall in the popularity of gang movies focusing on both African American and Hispanic street gangs has led to a rise in gang violence. Okay, लगता है पहुंच गए. और यस, पहुंच गए. You going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, bhai, police. Be cool, fool. We got the paperwork. Okay. वो भाई क्या दोस्त था भाई, वो छोड़ के भाग गया. अरे यार. Okay, अब guys मुझे क्या करना है? मुझे पुलिस इनसे गाइस दूर भागना है. ओके, कहीं भी दूर जाओ. अब जैसे देख सकते हैं, मुझे लगता है माहौल शांत हो गया. एक You are a racist and I don't like you and I will not sell you this card. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, bull? Who you calling a nigger? No, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I mean भाई इतना गाली गलौज होता है ना. Fucking right and you better keep it right cuz this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. ठीक है, यहाँ से हम लोग निकल गए. भाई ये नैनो, गाइस ये नैनो मुझे दे रहा है क्या? भाई ये कौन चलाता है? लेकिन एक बार थोड़ा सा चला के देखते हैं. नहीं गाइस, नहीं, दरअसल ये नहीं, मुझे वाइट पर ही चलाना होगा. ओके, चलो गाइस, अब नेक्स्ट लोकेशन है अपना घर. चले This chump change. How I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat peas eye? Who you trying to impress? Your auntie Denise with all that ass, nigga. She got ass. She grown. Yeah, she grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Sweatshirt, dog. And right now you in the lab with the chemical bros and Dr. No. Man, shit, it's good to be home. Like the all in the cut, licking my wounds and soaking my scars. Crib full of empty bottles of liquor, broken cigars on the table. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Oh, this motherfucker. Ooh.
honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top. घर में टीवी चल रहा है. ये फ्रैंकलिन की वाइफ है शायद से. बेटा गेम वगैरह खेल रहा होगा. पता है माइकल का बेटा भी भाई बहुत बिगड़ल है. ओके तो हम लोगों का मिशन गाइस पास हो चुका है फाइनली. तो यहाँ गाइस अभी इस वाले एपिसोड में बस इतना ही कर रहे हैं. मैंने कपड़ा वगैरह भी चेंज नहीं किया. हम लोग ना कपड़ा वगैरह भी चेंज कर सकते हैं. इसके साथ ही अभी बहुत सारे मिशंस वगैरह हैं. और देखो गाइस मैं न्यू हूँ सो मुझे गाइस बहुत सारे शॉर्टकट्स वगैरह नहीं पता हैं. अगर आपको पता है तो गाइस ज़रूर से ज़रूर कॉमेंट करके बता सकते हैं या फिर मिशंस वगैरह करने में आप गाइड कर सकते हैं. और जो भी बंदे अभी तक देख रहे हो गाइस थैंक यू सो मच यार, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए थैंक यू. ओके तो चलो गैस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में.